सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो क्या होने वाली है, थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये अंडर 100 रुपीस का पार्ट टू है। तो पार्ट टू में क्या है ना, ये वीडियो करेक्टेड वीडियो है। जो चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई उन चीज़ों के बारे में मैंने आज बताया है, एंड ये लुक क्रिएट किया है। होप आपको ये लुक पसंद आएगा। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड चलते हैं वीडियो में बिना देरी के छोटे से इंट्रो वीडियो के बाद। तो मॉइस्चराइज़र के लिए आज हम यूज़ करें जॉय का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे आज मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग चाहिए। एंड आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पॉन्स वाली यूज़ कर सकते हो जो मैंने पिछली वीडियो में यूज़ की थी, एंड नहीं तो आप निविया भी यूज़ कर सकते। एंड लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मेरे पास है ब्लू हेवन का लिप बाम। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो, वैसलीन यूज़ कर सकते हो या फिर हिमालय का लिप बाम आता है 35 रुपीज़ में, आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए थे, उनमें से एक है ये बायोटेक का क्लियर डे जेल जो मुझे फ्री में रिसीव हुआ है। ये बहुत छोटू से बोतल है, मुझे लगा ये थोड़ी बड़ी होगी बट ओके, अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है तो आई डोंट नो ये कैसी है। मुझे 98 में 4 स्पंजेस दिख रहे थे एंड आई वॉज लाइक ठीक है, मुझे ये लेना चाहिए, अच्छी डील है। बट ये इस तरह के बॉक्स में आया एंड इसमें मिनी स्पंजेस थे। पहले जब मुझे इसका बॉक्स रिसीव हुआ तो मुझे लगा शायद सिर्फ एक स्पंज है, बट देन ये मुझे रिसीव हुए, ये 4 थे इस तरह के। आप देख सकते हो कितने मिनी हैं। एंड इसके पीछे लिखा है कि ये फाउंडेशन कंसीलर ब्रॉन्जर के लिए है। सो फाउंडेशन तो मुझे नहीं लगता इससे हो सकता है, मैंने इसे यूज़ करने की कोशिश की, जब मैंने इसे डैम किया तो इससे कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ये फाउंडेशन लगा सकता है। एंड कंसीलर भी मुझे नहीं लगता कि ये कंसीलर लगाने के काम आएगा, बट शायद ये कॉन्टोर के लिए अच्छा हो तो हम आज ट्राई करेंगे। और ये मैंने बिल्कुल भी डैम्प नहीं किया है, थोड़ा हार्ड है। मैंने ये प्रोडक्ट इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ऑरेंज करेक्टर की ज़रूरत थी एंड 177 रुपीज़ में मुझे कॉन्टोर और करेक्टर दोनों मिल रहे थे, और दोनों को अलग अलग लेने पे मुझे ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा था, इसलिए मुझे ये सही लगा। अगर आपको करेक्टर की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, इसमें कंसीलर वाला पैक आता है, आप उसे ले सकते हो। सो मैंने लास्ट वीडियो में फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम इसलिए अंडर 100 रुपीज़ में रखी थी क्योंकि इसमें दो और वेरिएंट आते हैं। एक आता है 99 रुपीज़ का 18 ग्राम आई गेस, और एक आता है 40 रुपीज़ का जो है 9 ग्राम वाला। तो अगर आपको देखना है कि ये बीबी क्रीम आपके लिए ठीक है या नहीं तो आपको सबसे पहले ना सबसे छोटा वाला यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने ये गलती की कि सीधा सबसे बड़ा वाला पैक ले लिया, एंड ये बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप करना होगा, ऑयल लगाना होगा, देन ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एलेटीन का फाउंडेशन लिया है बिकॉज मेरी स्किन की बैंड बच चुकी है। सो अगर आप बिगिनर हो तो आपको इस तरह के क्रीम कंसीलर को स्किप करना चाहिए, और इनसाइट में लिक्विड कंसीलर आता है आपको वो यूज़ करना चाहिए क्योंकि लिक्विड कंसीलर बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, आपको उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कि सिंगल कंसीलर में या लिक्विड कंसीलर में कॉन्टोर चाहिए तो आप डार्क शेड यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा कॉन्टोर के लिए। तो कॉन्टोर के लिए मैंने ये छोटा सा स्पंज लिया है, देखते हैं इससे हम कॉन्टोर कर सकते हैं या नहीं। सो या आप इन छोटे छोटे स्पंजेस से अपना कॉन्टोर कर सकते हो, आप देख सकते हो कॉन्टोर भी काफी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ओके, तो ये स्पंजेस काम के तो हैं, बट कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताइए कि ये 4 मिनी स्पंज क्या 98 रुपीज़ वेरी करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि 98 रुपीज़ इनका कॉस्ट होना चाहिए।
अपने कॉन्टोर को सेट करने के लिए मैंने अपना ब्लश लिया है ब्राउन शेड में और उससे हम अपने कॉन्टोर को सेट करेंगे। क्योंकि ये क्रीम कॉन्टोर है तो क्रीम कॉन्टोर ज़्यादा टाइम तक वैरी नहीं कर पाता है, तो आपको उसके ऊपर पाउडर कॉन्टोरिंग करनी पड़ेगी ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो सके। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने आई शेडो नहीं बाय किए थे। इसके दो रीज़न थे। फर्स्ट तो मेरे पास काफ़ी सारे आई शेडो हैं एंड मुझे आई शेडो की ज़रूरत नहीं थी, एंड सेकंड मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बहुत सारे आई शेडोज़ के लिंक दिए थे, तो अगर आप कोई उनमें से लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप मेरी मानो तो आपको इस तरह का आई शेडो पैलेट ले लेना चाहिए। ये स्विस ब्यूटी का है। इसका प्राइस अब आई गेस 250 हो गया है। मैंने इसे 195 समथिंग का लिया था, एंड आपको इनसाइट का मिल जाएगा, NYB का मिल जाएगा सेम पैटर्न में, या फिर आप ब्लू हेवन का भी ले सकते हो। आपको लास्ट वीडियो में मैंने लिंक दी है तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो। एंड आप ना इस तरह के ब्राउन वाले आई शेडो लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको क्रीम कॉन्टोर नहीं पसंद है या आप बिगिनर हो तो आप इस तरह के जो ब्राउन शेड है ना, इन्हीं से अपना कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो। दे आर सो गुड। सो क्रीज पर हम ये वाला कलर लगाएंगे वाले। सो अगर आप बिगिनर हो ना तो आप आँखें बंद करने की जगह इस तरह ऊपर देखिए एंड देन अपने क्रीज पर लगाइए। देन मैंने क्लीन ब्रश लिया है एंड ये जो सबसे लाइट शेड है ना, इसकी हेल्प से हम इसे ब्लेंड करेंगे। नाउ मैंने क्या किया, अपना कंसीलर लिया है एंड कंसीलर ब्रश की हेल्प से हम इसके ऊपर ये कंसीलर लगाएंगे एंड देन अपने फिंगर की हेल्प से इसे हम ब्लेंड कर देंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैंने क्या किया, इसमें ये जो ब्रॉन्जी सा गोल्डन शेड है उसे मैंने इसे लगाया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लगाएंगे। नाउ लोअर लैश लाइन के लिए मैंने ये सबसे लाइटेस्ट शेड लिया है। मस्कारा के लिए मैंने 200 रुपये वाला मस्कारा लिया था, क्योंकि मुझे अच्छा वाला मस्कारा चाहिए था। आप ब्लू हेवन का मस्कारा ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लैशेस लगानी है तो आप ऑफ कोर्स ब्लू हेवन का मस्कारा ले सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। एक साइड हम ब्लू हेवन का मस्कारा लगाएंगे। एंड दूसरी तरफ मैंने LA कलर्स का मस्कारा लगाया है। आप दोनों साइड देख सकते हो। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो अब मुझे दोनों साइड सेम ही लग रहा है। मैंने ब्लू हेवन का ब्लश पहले भी लिया था, ये रही उसकी पैकेजिंग, यहाँ पे राउंड था खाली एंड ये नई पैकेजिंग है। इसका जो प्राइस है वो था 125 एंड इसका प्राइस है 160। हाइलाइटर के लिए मैंने अपना पाउडर हाइलाइटर लिया है। मैंने 4 ली थी, उनमें से एक तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, इनसाइड की मैट लिपस्टिक। जो 3 बाकी थी उसमें से एक बायोटेक की लिपस्टिक इन शेड न्यूड फ्यूज B602 एंड इसका शेड ये रहा। लुक एट दिस, ये भी ब्राउन न्यूडिश कलर में है एंड ये डार्क है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ब्लू हेवन की इंटेंस मैट लिपस्टिक एंड ये है शेड पिंक फ्रॉस्ट 305 एंड इसका जो शेड है वो ये रहा। एंड जो लास्ट है वो है LA Teen की कलर पॉप सिल्क लिपस्टिक एंड ये है इसका शेड। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा जल्दी थी।
कैमरा लेसेस लगाई, मेकअप फिक्सर डाला एंड दिस इज द फाइनल लुक। होप यू एंजॉय वॉचिंग माई वीडियो।